गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। थोड़ी देर में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में कांग्रेस के 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें पूर्व सीएम दिगंबर कामत जैसे नेता भी बताए जा रहे हैं, तो ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए गोवा। इसके अलावा विधायक माइकल लोबो, डेलिया लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संदीप अमोनकर, एलेक्स सिक्वेरिया और रुडोल्फ फर्नांडिस ने कांग्रेस से विद्रोह कर दिया है और स्थिति ठीक वैसी बनती नजर आ रही है जो शिवसेना की महाराष्ट्र में बन रही थी। वहां पर शिवसेना को लेकर यानी कि पार्टी को लेकर भी दावे अलग होने लगे थे और यहां पर चूंकि अब 11 ही विधायक है कांग्रेस पार्टी के पास, 8 बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन स्तर पर भी बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इधर कांग्रेस के 8 विधायकों को बीजेपी में ज्वाइन कराने के बाद सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लेकिन गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में 8 एमएलए ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सदानंद सिंह टानवड़े हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत वो हमें आज ज्वाइन हो गए, अपोजिशन लीडर एक्स अपोजिशन लीडर माइकल लोबो, द कांग्रेस बिगेस्ट लीडर ऑफ एलेक्स सिक्वेरा और बाकी उनके साथ में सभी कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं और वो निश्चित रीते ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नव भारत निर्माण की उनकी संकल्पना है इसलिए सभी ज्वाइन हो चुके हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रीते ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। धन्यवाद। तो गोवा के सीएम को आप सुन रहे थे। गोवा में सियासी उठापटक पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने ये भी जरा सुन लीजिए। ये लोग जो हैं ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं, हर राज्य के अंदर जा के एमएलए खरीद रहे हैं। जाहिर तौर पे फ्री में तो एमएलए खरीद नहीं रहे, किसी को सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं और साथ में जैसे अभी हमें पता चला कल कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की 25-25 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदने की। गोवा के अंदर कितने कितने में खरीदे हैं ये तो वहां के एमएलए ही बता सकते हैं या वहां के लोग ही बता सकते हैं कि कितने कितने में खरीदे। ये अच्छी बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। पैसा आ कहां से रहा है? हजारों करोड़ रुपया एमएलए खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? जाहिर तौर के ऊपर ये सरकारी पैसा है जिसको साइफन ऑफ किया जा रहा है और इसी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। और हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ है जुड़ चुके हैं। अमित, बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। हमने प्रमोद सावंत को भी सुना, उनका कहना है कि कांग्रेस छोड़कर अगर तमाम जो 8 एमएलए हैं बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ एमएलए खरीदे गए हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है बीजेपी के पास? देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ा झटका तो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि अगर आप देखिए तो 11 विधायक है, 11 में से 8 विधायक आ गए हैं और एक तरह से जो दलबदल कानून से भी बच गए। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व मुख्यमंत्री एक तरह से पूरा का पूरा जो कांग्रेस है वो बीजेपी के पाले में है और निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका तो उनके लिए है। लेकिन इसी बहाने अरविंद केजरीवाल को भी मौका मिला, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 90 से ज्यादा विधायक है और वहां पर बीजेपी के पास 2 है, तो ऑपरेशन लोटस वहां पर कैसे चलेगा? इसका मतलब है क्या 90 में से आपको कम से कम 80-85 को तोड़ना पड़ेगा? तो इतने बड़ी संख्या में बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है जिसके 2 विधायक है वो सरकार बनाने के लिए तोड़ रही है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर इसी बहाने क्योंकि जिस तरह से गोवा में बड़ी संख्या में 8 विधायक के शामिल होने से एक तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस को उन्होंने शिफ्ट कर लिया, तो एक मौका मिला है अपोजिशन को कि ऑपरेशन लोटस वो हर जगह चलाते हैं, गोवा में दिख रहा है। तो इसी बहाने अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर एक सवाल खड़े करते हुए कि इतने पैसे आखिर कहां से आते हैं कि लोग खरीद रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस जहां पर एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हुए हैं वहीं पर कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। और ये क्यों हुआ आप देखिए, 7-8 महीने के भीतर ये नतीजे आ गए हैं। जब नतीजे फरवरी मार्च में नतीजे आए थे गोवा और इसके बाद ये हालत हो गई। बिल्कुल, हमें जल्दी बाजी का सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि राजनीतिक तौर पर आप आरोप प्रत्यारोप तो कीजिए लेकिन ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इतनी बड़ी संख्या में बल्क में आखिर कैसे सबकी विचारधारा चेंज हो सकती है, वो भी सिर्फ पैसे के दम पर। क्यों कांग्रेस पार्टी टूट रही है? कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है।